नेचुरली। आपको पता है ये वर्ल्ड में स्ट्रांग माइंड के लिए स्ट्रांग बोन होना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? कोई बता सकता है? आपके दिमाग से बोन का क्या संबंध है? कोई बता सकता है? थोड़ा इंटरेक्शन होगा, मजा आएगा क्या? आपका बोन जो है, स्ट्रक्चर बोन जो है, ये बोन के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है? बोन मैरो। बोन मैरो, वेरी गुड। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैल्शियम। कैल्शियम, ये आपका स्टोर बैंक है, ये आपका बैंक अकाउंट है, इसको कभी मत भूलिएगा। ये रिजर्व फंड दिया गया है आपको, आपकी जिंदगी भर की पूंजी है ये। करेक्ट है? कि जितना आपका स्ट्रांग रहेगा उतना आपका माइंड स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि ब्रेन का सबसे बड़ा फ्यूल जो है वो है कैल्शियम और ग्लूकोज। अगर आपके ब्रेन को दौड़ाना है तो आपके पास कैल्शियम और ग्लूकोज का भंडार होना चाहिए। ग्लूकोज तो आपको खुराक में मिल जाएगा, कैल्शियम कहां से मिलेगा? अब वेजिटेरियन है तो वो तो हड्डी नहीं खाएगा, तो कहां से मिलेगा उसको? तो फिर वो मॉर्निंग का खाना पड़ेगा, वो भी नहीं मिल गया तो इसीलिए भगवान ने आपके हड्डियों में वो ढांचा डाल के दिया है और उसमें ठोस ठोस के भर दिया है आपका कैल्शियम। और ब्रेन क्या करता है, जो उसको रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो पूरा नहीं हुआ तो वो बोन से लेना स्टार्ट करता है। अब बोन से स्टार्ट करेगा लेने का तो फिर बोन क्या हो जाएगी? वीक होते जाएगी, उसके बाद अंदर ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह जैसी चीजें होती है। एग्जाम्पल देखिएगा, 1940s, 50s, 60s में आप लोगों ने देखा है कि जब किसी को 60s या 70s, 80s में भी, 90s में भी, इवन अभी प्लेट्स और स्लिंग्स वगैरह ये यूज करना, स्क्रूइंग वगैरह करना स्टार्ट किया, नहीं तो पहले सिर्फ प्लास्टर से हीलिंग करते थे हम फ्रैक्चर्स को। मल्टीपल फ्रैक्चर्स को मैंने देखा है प्लास्टर से हील करते हुए। प्लास्टर क्या करता था, ये मान के चलो बोन है, उसके अंदर एक ऐसा कुछ तो मल्टीपल फ्रैक्चर है, हम उसको प्लास्टर देकर अलाइनमेंट कर देते थे, बस बोन अपने आप हील होती थी, क्योंकि वो कैल्शियम जा तो जाके उसको बड़ा ग्रोथ करता था। आज क्या हो गया पता है आपको? सिंगल फ्रैक्चर को भी स्क्रूइंग करके प्लेट लगाते या कुछ तो करते, हेयरलाइन फ्रैक्चर को भी करने शुरू कर दिया है। ज्यादा दूर का बात नहीं है, 96 या 95 के आसपास की बात है। मेरे दादाजी उस वक्त में ही वॉज अराउंड 95 98 के आसपास में वो गिर गए और प्यूबिक बोन का फ्रैक्चर हो गया था। सर मैं बॉम्बे उनको लेकर आया गया, गांव से उनको ट्रैवल करके बॉम्बे लेके आया, क्योंकि गांव में कोई हाथ नहीं लगा रहा था। एंड ही वॉज इनटू ट्रिमेंडस पेन, बहुत जबरदस्त पेन में थे। साइबी हॉस्पिटल में जो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे वो मेरे खास फ्रेंड थे, तो उन्होंने देखा, बोला बेटा एक काम कर, इनको सिर्फ बेड पोजीशन में छोड़ दे, लाइन पोजीशन में, बेड रेस्ट में, बोन अपने आप हील करेगी, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहीं से उनका एनल पासेज भी था मोशन वगैरह का, तो वहां पे हम प्लास्टर कर ही नहीं सकते थे। मैं घर पे लेके आया और मुझे कुछ हड़ जोड़ वगैरह इस तरीके का कोई लेप बताया गया था, मम्मी ने मेरे उसको मतलब ये करके वहां पे हम लोग लगाया करते थे। विद इन 8 days वो व्यक्ति चल के मेरे अंकल के घर गए। रीजन क्या है पता, मैं ये क्यों एग्जांपल बता रहा हूं, क्योंकि उनके पास स्ट्रेस नाम की चीज ही नहीं थी, उन्होंने कभी स्ट्रेस नहीं लिया था कि मेरे पापा क्या करेंगे, दूसरे अंकल क्या करेंगे, या बेटियों की शादी में कैसी करूंगा, सब अपने आप हो जाएगा। और 108 की एज में एक्सपायर विदाउट स्ट्रेस, ना कभी हार्ट की दवा ली, ना कभी कोई चीज। आज मल्टीपल फ्रैक्चर्स क्यों हो रहे पता है आपको? सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस, जो आपका कैल्शियम खराब कर रहा है, और कैल्शियम खराब होने की वजह से आपकी बोन जो है वो पूरी विस्कोसिटी उसकी जो है डेंसिटी पूरी खत्म हो रही है और कड़क कर, थोड़ा सा पैर ऐसा हो जाता है तो फ्रैक्चर। करेक्ट है? अब पहले हम लोग थोड़ा सा सोचते थे मैडम कि स्पार्टनर के थ्रू या इस तरीके से हम इवन कोको ही रिकमेंडेड करते थे भाई कैल्शियम लेवल को बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी हमारे पास एक अच्छी चीज आ गई है तो उसके ऊपर सोचेंगे। स्ट्रांग बॉडी के लिए तो नेचुरली बोन को आपको चाहिए ही। करेक्ट? और स्ट्रांग एक्शन,
अभी एक्शन करना है, यहाँ पे कोई सांप आया तो भागना है, तो नेचुरली वो तो लगेगा ही। तो ये जो नीड है स्ट्रॉन्ग बोन की वो मिलेगी। तो व्हाट इज अ बोन? तो देखो, बोन आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू रेनफ्यूज विद कैल्शियम एंड स्पेसिफिक बोन से। मोस्ट बोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑल्सो कंटेन बोन मैरो वेयर ब्लड सेल्स आर गुड। बोन वर्क विद मसल्स एंड ज्वाइंट्स टू होल्ड आवर बॉडी टूगेदर एंड सपोर्ट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। दिस इज कॉल्ड अ मस्क्युलरिटी सिस्टम। ये सिस्टम है मस्क्युलरिटी, इसका काम है कि वो मसल्स और उससे लेके आपके मूवमेंट। अभी जैसे कुछ आ गया मुझे भागना है, तो सिर्फ बोन ही नहीं भागेगी, मसल उसको रिस्पॉन्ड करेगा, ब्रेन उसको रेज देगा, ये सारी चीज है। तो जैसे अभिजीत ने कहा भाई बोन मैरो है, वो भी बात बराबर है, जो ब्लड सेल्स बनाएगा वो उसका भंडार है, लेकिन कैल्शियम उसका मेन सोर्स। ठीक है। सो टिपिकली ह्यूमन इन्फेंट जो बच्चा पैदा होता है तो 270 बोन्स के साथ में, विच फ्यूज टू बिकम 206 टू 213 ह्यूमन एडल्ट होने तक का 206 से 213 बोन रहते हैं, यानी फ्यूज हो जाते हैं। ओके, सो ये देखिए एक बहुत बड़ा ग्राफ है, देख रहे हो, पीपल हर्ट ईच ईयर बाय ऑस्टियोपोरोसिस। ये जो मैंने कहा ना खोखली हो रही है हड्डियां आपकी कैल्शियम नहीं होने की वजह से, तो फ्रैक्चर फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख लोग, हॉस्पिटलाइजेशन 5 लाख, ट्रिप टू इमरजेंसी रूम 8 लाख, विजिट टू डॉक्टर्स ऑफिस 2.6 और पीपल प्लेस्ड इन नर्सिंग होम 1,80,000। ये ग्राफ दिया गया है। सो पुअर बोन हेल्थ इज कॉमन एंड कॉस्टली। इसके जनरल सिम्टम्स क्या आएंगे बोन डिजीज में? बोन पेन, फ्रैक्चर फ्रॉम लो इम्पैक्ट, जैसे मैंने कहा हल्का सा भी अभी ये दे दो आपको लो इम्पैक्ट में फ्रैक्चर होगा। लो एनर्जी एक्टिविटी, अगर आपके पास कैल्शियम कम है तो आपकी ताकत ही कम रहेगी। स्प्रेन, क्या बोलते हैं मुक्का मार रहे हैं, स्प्रेन के अंदर मोच बोलते हैं ना, मोच बोलते हैं, जकड़न बोलते हैं वो। इन्फेक्शन, ज्वाइंट पेन, बैक पेन और वीकनेस, अगर कैल्शियम नहीं है तो वीकनेस आएगी आएगी, एथलीट्स के इसीलिए कैल्शियम का हम ले कराते हैं। उसके बाद कॉमन बोन डिसऑर्डर ऑस्टियोपोरोसिस, दिस कॉमन डिजीज बोन बिकम वीक ड्यू टू चेंज इन बोन मिनरल डेंसिटी, इसीलिए बीएमडी हम कराते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी देखा जाता है, उसके बाद हायर रिस्क फ्रैक्चर होती है। तो फ्रैक्चर तो ये सारे बोन से रिलेटेड चीजें है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह आपको फेस करना पड़ती है। लेकिन कैल्शियम अगर कम है तो अब क्या होता है कि देखो मार्केट में भी कैल्शियम आप अवेलेबल है, आज अगर आप उसको लेते हो इसमें का 10% आपके बॉडी में जाता है, 90% आपके टॉयलेट से बाहर जाता है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म पे अगर ये कैल्शियम आप यूज करते हो तो वहां पर ये आपको किडनी स्टोन ये सारी चीजों का प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि अगर किडनी को डिटॉक्सिफाई नहीं किया तो। उसके अलावा तीसरी चीज उसका सोर्स क्या है, कहीं बोन से तो बन के नहीं आ रहा है, नॉन वेजिटेरियन तो नहीं है, अगर वो नॉन वेजिटेरियन आ रहा है तो हमारे सबके लिए तो खराब है, करेक्ट है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सबसे बड़ा सोर्स तो ऊपर वाले ने आपको विटामिन डी सूर्य प्रकाश के तौर पे दिया है, जो आप लोग नहीं लेते। सो गेटिंग इनफ कैल्शियम एंड विटामिन डी इन योर डाइट कैन हेल्प मेंटेन बोन स्ट्रेंथ, लेजर योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में काफी हेल्प करता है, और वो आपको फ्री फंड में ऊपर वाले ने दे के रखा है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको दोपहर में लेने के जाते हैं, और दोपहर में लेके जाने के जाते हैं तो स्किन कैंसर को लेके आते हैं। इसको लेना है सवेरे सवेरे जब वो आपके लिए निकलता है बाहर आता है तो विटामिन डी भरपूर मात्रा में देगा। ओके, सो हेल्दी बोन पाने के लिए थिंक कैल्शियम एंड विटामिन डी, उसके साथ क्या होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, अगर एक्सरसाइज आप नहीं करोगे तो कैल्शियम स्टोरेशन नहीं होगा, और ऊपर से स्मोक नहीं करना है। क्यों स्मोक नहीं करना है? अगर आप स्मोक करते हो तो नेचुरली आपका ऑक्सीजन लेवल गिरेगा, ऑक्सीजन लेवल गिर गया मतलब पूरा पैटर्न ही बदली हो जाएगा आपका। उसके बाद डोंट ड्रिंक अल्कोहल, क्यों अल्कोहल पियोगे तो लीवर बाबा तकलीफ में, लीवर बाबा तकलीफ में, नेचुरली लीवर बाबा तकलीफ में तो आपका केमिकल कंपोजिशन तकलीफ में आ जाएगा, फिर वहां पर भी इसका इश्यू है। फिर रिमेंबर प्रोटीन, वहां पे प्रोटीन का भी उपयोग हमें करना है, ऐसा नहीं कि प्रोटीन को भूल के चलेगा। और मेंटेन एन एप्रोप्रिएट बॉडी वेट, बीएमआई को अच्छे से मेंटेन करो, उसके लिए यानी कि सीधा सीधा यही कहा गया है कि भाई आप अच्छी एक्सरसाइज करो,
अब अच्छी एक्सरसाइज मतलब बीएमआई को मेंटेन करना है आपकी हाइट के हिसाब से वेट। अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो अराउंड 75 to 80 के आसपास में आपका वेट होना चाहिए। अगर वो एक्सेस जा रहा है तो उसको उस तरीके से आप डाइट वगैरह से कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करो। ओवरवेट जा रहा है तो मैंने जैसे कहा कि अगर आप ओवरवेट है, क्योंकि देखिए जब आपका वेट जो होता है ना वो मैक्सिममली अपर पार्ट में होता है और इसका सारा जो लोड जाता है वो आपके नी जॉइंट पे जाता है, पूरा लोड बेरिंग की जिसे बोलते हैं हम लोग, वहां पर तो वहां पर जाके वो गिरेगा तो उससे क्या होता है कि आपका नी ज्वाइंट खराब होता है। और आजकल नी रिप्लेसमेंट हो बैठे हैं, नहीं तो फिर 3 लाख 5 लाख खर्चा करो और फिर जब जलाए जाओगे या दफनाए जाओगे तो वो बाटी मिलेगी बच्चों को उसका कुछ क्या मिलेगा रिटर्न में मुझे पता नहीं, टीम का कितना मिलेगा, सॉरी टू से। उससे बचना है तो हमें ये सब चीज को, आपको ही नहीं मुझे भी लेना है। सो यहाँ पर हमने आपके लिए हेल्दी बोंगो कोई आएगा यहाँ पे जो देख के पढ़ सकता है क्यों नहीं, अरे लिखा कोई उसमें है बट क्या है कि शाइनिंग वो लेबल होने की वजह से नहीं पढ़ सक रहे, इसीलिए मैंने उसका भी इंतजाम किया है। डोंट वरी, आप मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देख के पढ़ सकते हैं, आप नहीं तो कोई और दूसरा जो यंग होगा वो भी देख के पढ़ सकता है। स्पेशली इस पर थोड़ा सा मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और रियल में ये नेचुरल कैल्शियम आया है आपके हाथ में। बाहर का कैल्शियम लेने के लिए जो आज डर लग रहा था वो डर यहां से निकल गया। यस, अब इसके अंदर जो है पढ़ने आ रही है, हाँ इसको बच्चे तो इसे देख के पढ़ रही है वो तो उसे पढ़ नहीं रही है। हाड़ जोड़ एक्सट्रैक्ट, गुरुची एक्सट्रैक्ट, एक मिनट, हाड़ जोड़ आंवला गुरुची एक्सट्रैक्ट, हाँ नहीं क्या लिखा है, कटिका चूरमा चूना चूना लिखा कटिका चूना, दैट इज अ जो लाइन का तख्ता चुना, तख्ता चुना एक्चुअली वो कटिका बोल रही है तख्ता। तो अभी यहाँ पर ये चार चीजें हैं, ये चार चीजों में हाड़ जोड़ 50 इंची दिया है, आंवला 50 इंची दिया है, करेक्ट बेटा, गुरुची 50 इंची दिया है और चुना जो है वो 350 इंची दिया है हमारे। चलो रखो, थैंक यू, अभी क्या करो आयुर्वेदा एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हाड़ जोड़ हर्ब है। इसका बॉटनिकल नेम है सिस्कस क्वाड्रेंगुलर। इसका मेन काम होता है फ्रैक्चर ऑफ बोन को रिपेयर करना, इसीलिए नाम हाड़ जोड़ है। वो दाल के दिया है, हालांकि वो कहीं पे भी आपको एक साथ एक कॉम्बिनेशन में नहीं मिलेगा बाहर मार्केट में, कैल्सीमेक्स करके जो हमारा एकदम कॉमन प्रोडक्ट है, बच्चों के अंदर सिरप सब आता है वो सब का ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है इस हाड़ जोड़ को जो है ना तमिल में पिरंताई बोलते हैं, तेलुगु में नेलुरु बोलते हैं, ये मैंने सब लिख के लिया है इसके लिए आपको पता चले, और कन्नड़ा में मंगराली बोलते हैं। ओके, इसके अंदर भरपूर कैल्शियम और उसमें भी है, हाड़ जोड़ में भी कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा और ये आपके बोन का जो सेल्स है ना उसके रीग्रोथ में बहुत हेल्प करता है, उसके रीजनरेशन में बहुत हेल्प करता है और उसके साथ ही इंश्योर करता है कि उस बोन का स्ट्रक्चर को डेवलप करने में मदद करता है, नाम ही है उसका हार्ट जोड़। ओके, उसके अलावा ये आपके लिए एक और काम करता है, वो है रेगुलेटरी डाइजेस्टिव प्रोसेस करता है। देखिए हार्ट जोड़ सिर्फ वहां पर बोन पे ही नहीं काम कर रहा है, आपके गट के लिए भी अच्छा है। ई कोलाई जो इन्फेक्शन होता है ये मैक्सिममली बिहार एरिया वगैरह में काफी देखने को मिल रहा है। अब इस चीज को अगर बिहार में पता चला तो शायद ये बहुत दौड़ेगा उधर। ओके, और ऊपर से ये आपका हिपेटिक डिसऑर्डर्स में फैटी लीवर जो है ना, फैटी लीवर के लोग क्या थे, अब ये
किसी का भी आप सोनोग्राफी करा लो, यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट 70-80 लोग बैठे हैं, कि अगर हम 70-80 लोगों का कराएंगे तो सबों के केस के अंदर फैटी लीवर और सोनोग्राफी वाला बोलेगा ही बोलेगा, ग्रेड वन ग्रेड टू बोलेगा ही बोलेगा। तो वहां पर भी ये हार्ड जोड़ आपको प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि हम ले रहे हैं हड्डी के लिए, लेकिन कहां कहां पर ये उसका एडिशनल बेनिफिट मिलेगा वो सोच रहे हो। उसके अलावा इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज पाई जा रही है, वो देखने मिल रही है कि मेंस एंड वुमेन्स में, इसको कोई अदर वे में नहीं लेना, इट्स एन ओपन टॉक है, ये उत्तेजना और विगर वेटालिटी का बहुत अच्छा काम करता है सेक्सुअल परफॉर्मेंस मैरिड लाइफ के अंदर। हार्ट जोड़ का वहां पर भी एक रोल है, जस्ट इमेजिन। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी घर के अंदर इनफर्टिलिटी का केस है या जो कुछ भी है ड्यू टू मैन या वुमेन जो भी है, वहां पर आप अश्वगंधा वगैरह दे रहे थे, स्पार्मा दे रहे थे, लेकिन बोन स्ट्रक्चर को अब आपके लिए हार्ड जोड़ के साथ में यहां पर भी हेल्प मिलेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? ओके, सो इस तरीके से ये वहां पर है। उसके अलावा इसके अंदर दूसरी चीज है, वो है अमला, इंडियन गॉड बेरी। अमला किस लिए कहा फेमस है? वित्त के लिए ना, उसका एब्जॉर्प्शन गट लाइन के लिए एब्जॉर्प्शन। तो वहां पर क्या होगा कि अमला डाला है तो वो कैल्शियम जो आ रहा है ना, कैल्शियम कार्बोनेट वो लाइन में आ रहा है, पूरा कच्चा है ना, उसको अंदर इजीली एब्जॉर्प्शन कराने के लिए आमला को भी डाल दीजिए। उसके अलावा गुरुचिरी, गुरुची दिया है, गुरुची गुरुची आपका गिलॉय तो सबको पता ही है। इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन को कम करने का सबसे बड़ा ताकत। उसके अलावा अर्थराइटिस, एंटी अर्थराइटिस तो है ही, ऑस्टियोपैथिक के लिए भी है, यानी कि बोन को अंदर जो कमजोरी हो रही है उसको भी, उसके लिए एंटी में काम कर रहा है, और उसके साथ साथ में ये ऑस्टियोपोरोसिस को रिलीव करने में हेल्प करेगा। और कैल्शियम जो है वो सीधा जाके आपका पूरा एब्जॉर्प्शन होता है। तो नॉर्मली जो हम कहते हैं कि भाई 90% बाहर फेंक रहा है, वो यहां पर नहीं फेंकेगा, क्योंकि ये नेचुरल में जा रहा है, प्लस आंवला होने की वजह से ये सीधा सीधा आपका एब्जॉर्प्शन बना रहा है और आपका इसका पूरा के पूरा पैसा वसूल। और यही कारण है कि हेल्दी बोन आपकी बोन को हेल्दी रखेगा। मोस्ट एबंडेंट मिनरल इन द बॉडी विद 99% कहां रहता है? आपकी बोन, करेक्ट है? जॉइंटिस डायबिटीज, ये तो गुरुची हो गया। विटामिन सी से आंवला भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट मिनरल, और हार्ट जो एबिलिटी टू हील फास्टर। 30 दिया है, 500 mg का कैप्सूल, और लिखा कितना है? 10 कैप्सूल ट्वाइस अ डे, यानी 1000 mg तक आप आराम से उसको ले सकते हैं। ओके, बच्चों को देना चाहिए, यू कैन गिव 10-12 साल के बच्चे के आसपास में, यू कैन गिव। ओके, हाँ दे सकते, कोई बात नहीं। बट यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, किसी की हड्डी वड्डी टूटी है उसको डॉक्टर के यहां जाने दो, ऑर्थोपेडिक का काम करने दो, हाड़ जोड़ है पहले यही जोते बैठो। यार हमने देखा है, सॉरी टू से, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे हाथ में, प्रोडक्ट पोजीशनिंग समझते नहीं है, मीटिंग में बैठे तो ध्यान कहां रहता है पता नहीं है। आज भी गैंग्रीन जैसी केसेस के अंदर पेस्ट का इस्तेमाल आप करते हो। अरे यार कोई जल जाएगा तो क्या उसको पूरा ऊपर से नीचे तक क्या पेस्ट लगाओगे? हर चीज की एक लिमिटेशन है, वो समझ में नहीं आ रही है। उंगलियां कट रही है हमारी छोटी सी गलतियों की वजह से, मेन प्रॉब्लम कहां है वही समझ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए तो सबसे पहले आप खुद खाइए और ये करिए। अब यहां पर इतना तो समझ में आ गया कि हेल्दी बोन कहां का काम करेगा आपके लिए। अब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत किसको है भाई, बताइए सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? ओके, सबको भाई, सबसे बड़ी जरूरत जो है ना ये घर की महिलाओं की है।
भी है काफी अलग तेरे बर्तन दोनों आया है ना तेरे को तो तुमको हेल्दी का वो धोते हैं उनका टेंशन नहीं है तो वो यूज करते हैं उस दिन मीटिंग में तो तू बोला था पूरा क्यों आप लोगों का देखो कैल्शियम लेवल कहाँ नीचे जाता है क्योंकि आप पूरे घर की पूरी काम करते हो सारा यहाँ पे तो यह ऑस्टियोपोरोसिस आप फेस कर रहे हो ऑस्टियोपोरोसिस फेस कर रहे हो मेनोपॉज आता है तब आपको हार्मोन डिसबैलेंस हर जगह पे आपका कैल्शियम मार खा रहा है और कैल्शियम कहीं से आपको डायरेक्टली अंदर नहीं जाएगा ये चीज ध्यान में रखो। आप दो टैब्स ले लीजिए और प्राइस भी बहुत अच्छा है 250 रुपया है कोई ज्यादा नहीं है लेकिन ये सब चीजों को रेगुलर यूज करना है जैसे सी बकथॉर्न के लिए आप एक पर्टिकुलर टाइम तक यूज करो 2-3 महीना यूज करो थोड़े दिन के लिए उसको तैयार करो दो कर रहे हो एक करो फिर थोड़े दिन 2-3 दिन बंद करो फिर एक चालू करो फिर दो चालू सेकंड टाइम बट स्टार्ट आप 2 से करो ठीक उसी तरह से कैल्शियम भी आप 2 से स्टार्ट करो कुछ दिन जाने के बाद में एक करो फिर 2-4 दिन बंद करो डिटॉक्सिफाई होना चाहिए एक्सेस जाके नेचुरल है सब कुछ अच्छा है लेकिन कहीं ना कहीं पे उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आ ही आए एक्सेस हो जाएगा फिर उसको बाद में वापस आप स्टार्ट कर सकते क्लियर हो रहा है अभी बाद में और भी चीजें हैं तो उसके ऊपर बात करते हैं चलो हेल्दी लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली चेंज योर बॉडी इट चेंज योर माइंड योर एटीट्यूड एंड योर मूड हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर सही बात है कि आपकी बॉडी के अंदर ही चेंज है आपके माइंड में भी एटीट्यूड में भी उसके लिए आपको हेल्दी रहना बहुत जरूरी है लेकिन आज का डेली लाइफ कैसा है फिर वही लग रहा है स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन फटीग फियर लिथार्जिक टाइटाइफिस इंपैक्ट मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग सुबह घर को निकलता है शाम में आता है एकदम थका थका मारा मारा रहता है कुछ काम करने का भी बोलेगी जाकर यार मार्केट से कुछ लेके आओ वो भी ताकत नहीं रहती है क्योंकि इसके अंदर प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है क्रॉनिक फटीग स्लीप डिस्टर्बेंस पहले के लोग अच्छे से सोते थे क्योंकि टीवी जो है 10 बजे बंद हो जाता था आज तो यूट्यूब चलते रहता है और ये आपकी एनर्जी लेवल नीचे जा रही है वीक परफॉर्मेंस ये परफॉर्मेंस जो है ना ये हर जगह पर परफॉर्मेंस के ऊपर है ये सिर्फ आपका ऑफिस या फिजिकल परफॉर्मेंस नहीं है मेंटल परफॉर्मेंस है एवरीथिंग से आपको आप खुद सोचिए कि आज से 10 साल पहले जो आपको नंबर्स याद रहते थे टेलीफोन नंबर वो आज रहते या खुद का नंबर भी नहीं होता मेनी टाइम मैं भूल जाता क्योंकि ये सारा स्ट्रेस से रिलेटेड उसके अलावा पुअर मेमोरी पावर इसके अंदर क्या होता है नर्व्स डिसऑर्डर मेन प्रॉब्लम कहां है नर्व्स का डिसऑर्डर आज कॉग्निटिविटी नहीं है हमारे जो नर्व्स आ रही है उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिफाइंग जो जाता है वो पावर ही नहीं बचा है इसलिए ब्राह्मी को इंट्रोड्यूस किया था आपके लिए फिर एनीमिया आर इंक्रीजिंग ड्यू टू द प्रेजेंट टाइम आज का जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह क्या है ज्यादा करके लोग एनीमिक भी हो रहे हैं आज अगर अभी महिलाओं का ही अगर जो स्पार्ना नहीं खाते हैं और थैंक्स टू डॉक्टर लीम के हमारे लिए स्पार्ना प्योर फॉर्म में दिया है इसीलिए जो रेगुलर यूज करते हैं वो 12 के ऊपर ही मिलेगा किसी का 12 से नीचे